तो हुआ मेरे साथ कुछ ऐसे कि मैं जब 12th पास आउट किया मैंने अपने स्कूल से इन 1995, तो इन 1996 मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया डीएवी कॉलेज फरीदाबाद में। तो मेरे फादर साहब ने मुझको एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कराया इन 1996, क्योंकि नया नया कंप्यूटर का दौर आया था, नया नया जमाना था कंप्यूटर्स का। तो मेरे पापा ने मुझे कहा, देख बेटा ऐसा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है, तो मैं तेरे को फिर भी एक इंस्टीट्यूट में तेरा मैंने एडमिशन कराया। 1200 रुपये फीस था पर मंथ इन 1996, और देट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो तू ईमानदारी से पढ़ियो जरूर। अच्छा, तो हमने तो हाँ बोल दिया, लेकिन पढ़ना लिखने किसने था, तो हमको तो पढ़ना वढ़ना था नहीं। तो मैं जिस जहाँ रहता था और जहाँ वो इंस्टीट्यूट था, वो करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो उस जमाने में मेरे पास तो ना स्कूटर था, ना साइकिल था, ना बाइक था, कुछ था नहीं। तो मैं ऑटो में जाता था वहां पर पढ़ने के लिए। तो ऑटो वाला यूज टू चार्ज 3 रुपीज ऑन वन राइड, एक राइड का 3 रुपया वो चार्ज करता था। तो माई फादर यूज टू गिव मी ओनली 3 रुपीज वन वे ट्रैफिक। तो मैं पापा को बोलता था कि आप मुझे वापस आने के 3 रुपए काहे को नहीं देते। तो वो मुझे कहते थे कि जाना टाइम पे जरूरी है, वापस आके तूने कौन से हल चलाने हैं, तो तू लिफ्ट मांग क्या, पैदल आ, अपने को कोई मतलब नहीं है। सो मेरे पास 3 ही रुपए होते थे जाने के, और वापस मैं लिफ्ट मांग के आता था। तो वन नाइस इवनिंग, वन लवली इवनिंग, मैं जिस ऑटो में बैठा अपने इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, और कोइंसिडेंटली उस ऑटो में मेरे कॉलेज की, मेरी क्लास की एक लड़की भी थी, और उसका नाम मधु है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अभी। तो वो भी बैठी, तो उसने मुझसे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला पढ़ने। अच्छा, हमारा गुडविल बहुत शानदार था, तो वो मुझे सोच सुन के ही हंसने लगे कि तू और पढ़ने जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि तू पढ़ने जा रहे। मैंने कहा तू चुप बैठ, मैं कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया हूँ, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, टाइप्स फला फला फला। तो जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में उतरा, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा हाउ मच, कितना पैसा तुम्हें चाहिए। तो मेरे पास थे 3 रुपए, एक एक रुपए के तीन कॉइन थे मेरे पास। तो उस बेवकूफ ने, उस कमबख्त ने, उस कमीने ने, उस मुझे गाली यहाँ देने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे नहीं देनी चाहिए। उस कमीने ने मुझसे 4 रुपए मांगे, और मुझ मेरे पास है 3 रुपए। ही आस्क मी फॉर 4 रुपीज एंड आई हैव ओनली 3। और बेइज्जती होने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा बहुत बार बेइज्जती होती है आदमी की, लेकिन कॉलेज की लड़की के सामने बेइज्जती हो जाए तो बहुत तकलीफ है, और वो भी मात्र 1 रुपए के लिए। तो नेक्स्ट बेस्ट मुझे जो समझ में आया, मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वो 3 कॉइन्स निकाल के तुरंत उसके हाथ पर रखे और वहां से भाग लिया। और उसने मुझे 2-3 बार पीछे से आवाज भी दी, लेकिन मैंने सुना नहीं। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट पहुंचा, मेरे हाथ में 2 बुक्स थी, मैंने लेबोरेटरी में जहाँ लैब था, जहाँ बहुत सारे सिस्टम लगे रहते थे, वहां पर वो बुक्स रखी। एंड आई वेंट टू द वॉशरूम, और मैं 10-15 मिनट खूब रोया, और मुझे ऐसा लगा कि एनफ इज एनफ, लाइफ ऐसे नहीं जीनी यार, आज 1 रुपए के लिए क्या भरे बाजार बेइज्जती हो गई यार। और वो 1 रुपए के लिए बेइज्जती इसलिए होगी क्योंकि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेके जा रहा हूं, मेरे पास होंगे भी नहीं। तो बेइज्जती आज पहली बार हुई है, लेकिन आखिरी बार नहीं हुई, ये बेइज्जती जिंदगी भर होती रहेगी अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा। दैट डे चेंज माई लाइफ। मैं वापस घर आ गया बिना क्लास अटेंड किए। मेरी मदर ने मुझे कहा इतनी जल्दी क्यों आ गया, तो मैंने बोला असली पढ़ाई कल से चालू होगी। तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई वॉज टोटली अ चेंज्ड मैन। मैंने पढ़ाई को, किताबों को, टीचर्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, और वो पर्टिकुलर एक इंसिडेंस था दैट 1 रुपी चेंज माई लाइफ फॉर एवर एंड आई नेवर बी द सेम। Exactly, sir. And you are not the same, actually. And sir, moving to next question. If I talk about a proper schedule, what do you think कि एक person की life में, if he wants to be successful in any of the field, उसमें proper schedule का क्या role होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी नज़र में है किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए, वो एक बहुत शानदार वर्ड है जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। टेक माय वर्ड्स, नोट इट डाउन। जिस किताब पे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जिस दीवार पे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जिसको कहना चाहते हैं कह दीजिए। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ,
यू विल रीच नो वेयर। आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज हो, आपके पास जितना मर्जी पोटेंशियल हो, कितना मर्जी दिमाग हो, जितना मर्जी आप टैलेंटेड हो, कोई मर्जी डिग्री आपके हाथ में हो, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ यू विल रीच नो वेयर एट ऑल। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है दोस्त। लोग क्या करते हैं, लोग डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर, दे आर ड्राइविंग अ कार ऑन अ स्लिपरी रोड। यू नो इफ यू डोंट हैव अ जीपीएस, आपकी गाड़ी कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं मूव करती रहती है। आप डेस्टिनेशन पे हो सकता है पहुंच जाए लेकिन बहुत लेट पहुंचेंगे। बेटर यह है कि आपकी लाइफ में एक जीपीआरएस हो जो आपको गाइड करे कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। और वो जीपीआरएस मेरी नजर में डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है आपकी लाइफ के अंदर, तो यू कैन रीच एनी वेयर यू वॉन्ट टू गो यार। आपके पास पैसा है नहीं, नो मैटर, आप अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, नो मैटर, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, नो मैटर, आपका हाइट छोटा है, रंग काला है, कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती अगर आप में सिर्फ एक क्वालिटी है, डिसिप्लिन। जी दैट्स द सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माई आईज। एंड सर, व्हाट डू यू थिंक कि जब आपने ये ठान लिया कि यू हैव टू क्लियर सीए, एंड जब आपने एक्चुअल में पढ़ाई शुरू की, सो व्हाट डिड यू डू? आप सुबह जल्दी उठते थे या रात को लेट तक पढ़ाई करते थे? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माइंड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, कि रात को लेट तक पढ़े देखो या जितना सुबह भी जल्दी उठे। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने 4 साल पढ़ाया अभी है उसके बाद। आई यूज टू टीच टैक्सेशन, आई यूज टू टीच अकाउंटेंसी, आई यूज टू टीच इकोनॉमिक्स। मैंने 4 साल अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया अपने ही घर के अंदर आफ्टर माई ग्रेजुएशन। आई हैव अप्रोक्सीमेटली 200+ स्टूडेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। 99-2000 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। करीब करीब 200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास, और मेरी उम्र के ही थे सारे, क्योंकि मैं कोई तब बहुत बड़ा नहीं था। 21 साल पहले मैं करीब करीब 20-21 साल का ही था। तो आई यूज टू टीच, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात बोलता था, और आपके भी माध्यम से आपके लाइव पर भी मैं एक ही बात बोलता हूँ इंस्टाग्राम लाइव पर। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, मैटर ये करते हैं कि उस देर में दिल लगा के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। सर, आप 6 घंटा पढ़ें, 8 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें, साला दिल लगा के ना पढ़ें, तो वो दस बिल्कुल घंटा पढ़ना भी बेवकूफी है। आप 2 घंटा पढ़िए लेकिन साला दिल लगा के पढ़िए बस, कि मुझे करना है का मतलब करना है। तो फिर टाइम मैटर नहीं करता यार, कौन से वक्त पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, सुबह पढ़ रहे हैं, रात पढ़ रहे हैं, दोपहर पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता। दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं यही मैटर करता है। और दिल से पढ़ा हुआ किसी भी वक्त किया गया हो आपको फ्रूट देता है। बिल्कुल सर। सो सर, व्हाट डू यू प्रेफर? आप सुबह उठ के पढ़ते थे, दिस वाज माय क्वेश्चन, कि आप सुबह उठ के पढ़ते थे या रात के टाइम पढ़ते यार थे? एंड हमारी हमारी पोल मत खोलो अब यहां पर हमको बुला के, ऐसे हमारी पोल खुल जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी। हम तो खैर पढ़ते ही नहीं थे लेकिन मैं ऐसा आप नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा रोल है लाइफ के अंदर। एजुकेशन प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मॉर्निंग 4 to 8 है, 4 से लेकर 8 बजे तक, ये फर्टाइल पीरियड होता है यार, इसको मैं फर्टाइल पीरियड बोलता हूँ, मॉर्निंग 4 to 8। मुझे नहीं पता आप लोग तो खैर बहुत यंग हैं, हमारे टाइम में मोबाइल फोन नहीं होते थे जब हम लोग कॉलेज में थे, तो गर्लफ्रेंड से बात करनी होती थी तो बहुत इश्यू होता था क्योंकि फोन होते नहीं थे हमारे पास, लैंडलाइन से ही गुजारा चलाना पड़ता था। तो उस जमाने में एसटीडी और पीसी होते थे। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, अगर आप फादर अपने पूछेंगे, अपनी मदर से पूछेंगे तो याद है बताएंगे। ऑन दैट पर्टिकुलर बिल्कुल। टाइम एसटीडी और पीसीयू होते थे, जिसमें जब हम कॉल करने जाते थे तो एक लंबा सा क्यू रहता था। तो मैं जब कॉल करने जाता था तो वो मुझे बोलते थे कि अभी बहुत लंबा क्यू है, आप सवेरे 5 बजे आएंगे तो लाइन पूरी क्लियर मिलेगी, 5 बजे है लाइन क्लियर मिलती है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि 5 बजे लाइन क्यों क्लियर मिलती है, बाद में मालूम चलता था कि 5 बजे मैं अकेला ही कॉल कर रहा हूं तो कोई नहीं है तो लाइन इसलिए क्लियर है। तो ये बात मुझे बाद में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का मौका मिला कि जो मॉर्निंग 4, 4:30, 5 o'clock का टाइम रहता है, यहां पर सिर्फ आप होते हैं, आपके साथ कोई आपके साथ नहीं होता, और आपके साथ की सबसे बेस्ट कंपनी आपके साथ की ही है।
यहाँ आप अपने साथ होते हैं, नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू, और जो बॉडी रहता है ना वो हील करता है रात में, आप सवेरे फ्रेश बॉडी के साथ बैठे रहते हैं, माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है आपके। जो बेस्ट टाइम है जिसको मैं फर्टाइल पीरियड बोलता हूँ, फर्टाइल टाइम बोलता हूँ, मॉर्निंग 4 to 8 o'clock है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रात को आप 8 बजे सो जाएं, जो एग्जैक्टली कि आज सर, की भागती दौड़ती टाइम है यार, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल लगता है क्योंकि लोग सोशल मीडिया से ही फ्री नहीं होते रात को 12 12 बजे तक। एग्जैक्टली सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है कि टॉकिंग अबाउट, पर्सनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठूं, बिकॉज सुबह जल्दी उठना सर सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है और उठने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उठने से लेकिन पहले होता नहीं, एग्जैक्टली होता नहीं है, होता नहीं है। तो एंड इट्स सर अ दिस इज अ वंडरफुल हैबिट एक्चुअली। वो कहते हैं कि आप, मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग है जो मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैं पंच करता हूँ, कि आप लाइफ में हमेशा कामयाब होते हैं जब आप सूरज को जगाते हैं, और आप लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं जब सूरज आपको जगाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूरज के जागने से पहले जाग जाएं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है उसका भी समाधान मैं आपको इस लाइव इंस्टाग्राम पेज पे बता देता हूँ। थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन अगर आप बोले तो बता देता हूँ, थोड़ा सा श्योर इलीगल भी है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार इलीगल 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 बातें करते हो, तो मैं बोलता हूँ कभी कभी यार रेड लाइट जंप की है मैंने भी, मैं झूठ नहीं बोलता, सबने की होंगी कभी ना कभी, कभी कभी जरूरत भी होती है। तो हम लोग क्या करते थे शुरू में, जब हैबिट डेवलप करनी होती थी, हाउ टू हैबिट डेवलप अ हैबिट इन जस्ट 3 डेज, नॉर्मली हैबिट डेवलप करने में 40 डेज 50 डेज 2 मंथ्स लग जाते हैं, कि अगर आप 2 महीने तक कंटिन्यूअसली कुछ करें तब आप हैबिट डेवलप कर पाते हैं। तो मेरे को लगा यार ये 2 महीना तो बहुत लंबा है यार, 2 महीना कौन करेगा, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि 3 दिन में हैबिट डेवलप हो जाए। तो मैंने 3 दिन में हैबिट डेवलप करने का एक कोर्स लॉन्च किया, जहां मैं कोई भी आदत 3 दिन में डेवलप करा देता हूँ। कोई भी आदत हो आपकी जो आपसे डेवलप ना हो रही हो, जस्ट गिव मी 3 डेज, मैं आपके लिए वो पॉसिबल बना सकता हूँ। उसके लिए मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, लेकिन आपके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूँ। सर मान लेते हैं कि आपने सुबह उठने का एक रेजोल्यूशन पास किया कि मैं कल पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, एक अलार्म क्लॉक बनाते हैं और 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। तो जैसे ही 5 बजे अलार्म बंद बजता है आप उसको बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं, और जब दोबारा आपकी नींद खुलती है तो 7 7 बजे या 7:15 या 7:30 बजे रहते हैं, राइट? बिल्कुल नॉर्मली ऐसे सर ही होता है। तो हम अपने आप को गुस्सा करते हैं, साला कल से उठूंगा पक्का, कल पक्का 5 बजे उठ जाऊंगा, और अगले दिन फिर 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और फिर 5 बजे अलार्म बजता है और हम कमीनों की तरह फिर उसको बंद करते हैं और फिर 8 बजे उठते हैं, राइट? और अपने आप को बहुत गाली देते हैं कि नहीं 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 कल से पक्का 5 बजे उठूंगा। यस ऐसा मत करो यार, मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देता हूं, आपका जब अलार्म बजे और आप उसको बंद करके सो जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब उठे दोबारा 7 7:30 बजे, तो एक काम करें, एक 500 का नोट लें, उसको फाड़ दें, एक 500 का नोट लें उसको फाड़ दें, हालांकि थोड़ा सा इलीगल टाइप बात लगती है ये, करेंसी को नहीं फाड़ना चाहिए, कुछ और सेल्फ पनिशमेंट ले सकते हैं क्या? मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं सेल्फ पनिशमेंट। यस 500 का नोट लें, उसको फाड़ दें और अपना मस्त रहें पूरा दिन, अगले दिन फिर 5 बजे का अलार्म लगाएं, फिर अलार्म बजेगा फिर सो जाएं, फिर 9 बजे उठें, फिर एक और 500 का नोट लें, फिर उसको फाड़ दें, और ये रेजोल्यूशन बनाएं कि मैं उठूं ना उठूं 500 का नोट जरूर फाड़ दूंगा। बिल्कुल मैं आपको चैलेंज देता हूं, तीसरे दिन तुम 4:45 पे ऑटोमेटिक उठते हो, यस तुम्हें अलार्म की साला जरूरत ही नहीं होती। जस्ट 3 डेज, जस्ट 3 डेज बाय स्पेंडिंग 1,000 रुपीज ओनली। सर और अच्छा सोल्यूशन देता हूं मैं आपको, कुछ मत करो, अपनी सबसे बेहतरीन शर्ट में आग लगा दो, यस अपनी सबसे बेहतरीन जीन्स को जला डालो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, चौथे दिन तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे साथ उठते हैं 4:45 बजे। इफ यू वॉन्ट टू डेवलप अ हैबिट, क्रिएट सेल्फ पनिशमेंट फॉर यू, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सर हम लोग जब तक डंडा ना लगे मजा नहीं आता। बिल्कुल सर
थोड़ा सा थैंक यू, इलीगल है मुझे यार, है ना? नोट पक्का ये करने वाला हूँ एग्जीक्यूट, एंड आई लव दिस नोट आइडिया। नोट नोट मत फाड़ना, कुछ और सेल्फ पनिशमेंट देखना अपने लिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर, इलीगल काम नहीं करेंगे। हाँ सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी लॉकडाउन की बात करें तो बहुत से लोग अभी लाइव सेशन में भी ऐसे होंगे जिनकी जॉब्स आ चुकी हैं या फिर जिनके पास अभी करने को कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि अपॉर्चुनिटीज हैं ऑनलाइन बैठे बैठे भी एक रूम में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को एंगेज्ड रख सकते हैं? देखो, मोदी साहब कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए। इफ देर इज अ डिफिकल्टी, देर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी एज वेल। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम कभी बंद दरवाजे की तरफ देखते हैं, जो दरवाजा खुला है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक्चुअली यू नीड अ मेंटर फॉर दिस, मतलब ये अपने आप से नहीं होता, यू नीड समबडी। कभी कभी आप अपनी आंखों से वो देख नहीं सकते जो कोई और अपनी आंखों से आपको दिखा सकता है। अगर मेरे पास 2 मिनट है तो मैं आपको एक शानदार स्टोरी सुनाना चाहता हूं। सर हमारी तरफ से तो सर आप जितना टाइम दोगे उतना हमें कम ही लगेगा, आपके पास जितना टाइम है सर वो आपके है। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आऊंगा लौट के कि पार्ट टाइम में या फुल टाइम में जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आपको लगेगा ये कैसा आदमी है यार, हमारी नौकरी चली गई और हमको बधाई दे रहा है। तो मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा रास्ता पहले से बहुत शानदार होगा, यस लेकिन हम पहले के गम में इतने गम रहते हैं, गमगीन रहते हैं, कि दूसरे रास्ते की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। सो फॉर दैट यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। एक एक आदमी था, उसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसको प्रॉब्लम ये था कि उसको रात को सपना आता था। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपने में वो देखता क्या था कि एक बहुत बड़ी केव है, गुफा है, और वो उस गुफा में भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अंधेरा है, रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे आज COVID-19 में बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, उनको लग रहा है कि हम किसी केव में फंस गए हैं, किसी गुफा में फंस गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे, राइट? तो वो भी भाग रहा था उस गुफा के अंदर, दौड़ रहा था, कहीं पहुंच नहीं रहा था। पहुंचते 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 आखिरी में उसको बहुत दूर कुछ रोशनी नजर आई, तो फाइनली उसको लगा कि एक दरवाजा मुझे दिखाई दिया, यहां से मैं बाहर निकल जाऊंगा और ये डोर मेरी सफलता का रास्ता है, इसको खोल दिया तो आई विल बी सक्सेसफुल। तो जैसे वो डोर तक पहुंचता है, उसको धक्का मारता है, उस डोर को बहुत तेज से धक्का मारता है, पूरी जान लगा के धक्का मारता है, लेकिन वो डोर खुलता नहीं है। वो थक के हार के वहीं बैठ जाता है। अब ये सपना उसको रोज आता था, एवरी डे, एंड दिस पर्टिकुलर ड्रीम हॉन्ट हिम, और उसको डर लगने लगा था। तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया जो उसका दोस्त था। उसने साइकेट्रिस्ट को बोला कि सर, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं रोज एक सपना देखता हूँ, उसमें मैं एक केव में हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, कहीं पहुंच नहीं रहा, आखिर मुझे एक दरवाजा दिखता है, वहां पर रोशनी आ रही है, मैं दरवाजे को धक्का मार रहा हूँ, दरवाजा खुल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और मुझे लगता है कि वो डोर अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो आई विल बी सक्सेसफुल, ये मेरी सफलता का रास्ता हो सकता है। तो उसका जो दोस्त, जो साइकेट्रिस्ट था, उसने बोला, मेरी मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अगली बार जब तेरे पास ऐसा कोई ड्रीम आए, जब तेरे पास कोई ऐसा सपना आए, और जब तू उस डोर के पास पहुंचे, तो बस मेरी एक बात ध्यान रखियो, उस डोर को बहुत ध्यान से देखियो। इतनी बात बोल के साइकेट्रिस्ट ने उसको बाय बाय बोल दिया। वो लड़का वापस आया, अपने घर में सो गया, और सेम हुआ जो उसके साथ होता था, उसको फिर से वही सपना आया, और वो सपना क्या देखता है, फिर उसी केव में दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत अंधेरा है, कहीं पहुंच नहीं रहा, पहुंचते 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 देखा तो वही डोर, पूरी ताकत से उसने दरवाजे को खोलने की प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन डोर ओपन नहीं होता, थक गया, वहीं बैठ गया। अचानक उसको उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट की बात याद आई कि दरवाजे को ध्यान से देखिए, और जैसे ही उसने दरवाजे को ध्यान से देखा, उस पर लिखा था खींचिए। तो उसने बहुत आराम से उस दरवाजे को पुल किया और वो डोर ओपन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। जी सर,
मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन वो डायरेक्शन रॉन्ग होती है। तो क्या चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट हमारे जैसा जो आपको बता दे कि धक्का नहीं देना, खींचना है। एक सिंपल सी बात उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो इस COVID-19 की महामारी में जिन लोगों का जॉब चला गया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने की। देर आर सो मेनी ऑप्शन इन द मार्केट अवेलेबल इन COVID-19 इरा। सबसे अच्छी बात तो ये, COVID-19 ने हमको 5 साल और पहले डिजिटल कर दिया। जो टेक्नोलॉजी 2025 में हमारे देश में आती, वो टेक्नोलॉजी आज 2001 में हमारे पास है। हमारे पास गूगल मीट है, हमारे पास जूम है, हमारे पास ना जाने कितना कुछ है, जो अगर COVID-19 नहीं होता तो हम शायद इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि आज हम 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, वो अपने घर से बाहर निकले बिना, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर पॉकेट, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर ये कोविड नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास कभी नहीं आती जिंदगी में। सो देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं हूं, जिसको डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, वो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस देने वाला प्रोफेशन है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में इनकी हेल्प करी। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। आपके पास देर आर सो मेनी ऑप्शंस यार। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूं अपने ट्रेनिंग्स में कि सड़कों पर पैसे गिरे हुए हैं उठाने वाला चाहिए यार। देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। फोकस होकर सोचिए कि आपको पसंद क्या है, क्योंकि आपको मजा उसी काम को करने में आएगा जो आपको अच्छा लगता है। एंड सर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब भी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं सर, आई एम प्रिटी श्योर कि आप इससे अग्री करेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सीखने को भी है, अच्छा भी और बहुत कुछ बुरा भी है टाइम वेस्ट करने के लिए। सो जब हम इंस्टाग्राम की रील्स खोलते हैं, उसमें बहुत सी रील्स आपकी भी होती हैं अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट की भी होती हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लब हाउस, क्लब हाउस में भी आपको बहुत से क्लब्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिन पर आपको नॉलेज मिल रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, अलॉन्ग विद दैट बहुत से एंटरटेनिंग पर्पज के लिए भी मिल जाएंगे। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होता है जो हम नहीं कर पाते हैं कि हाँ अब बहुत हो गया, अब मुझे रुक के अपने काम पे जाना है। तो वो कैसे करें, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कैसे करें कि हाँ हमने अगर 15 मिनट रील्स देख ली तो अब हमें बस करना है, वो क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझा देता हूं तो और अच्छा समझ में आएगा। इसको मैं बोलता हूं द पावर ऑफ कमिटमेंट। और ये स्टार्ट अचानक नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि आज से आप सोचिए और कल से होना शुरू हो जाएगा। इसको साधने के लिए इट विल टेक अ गुड टाइम, और छोटी छोटी चीजों से आप शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप बालकनी में आए, अपने रूम की बालकनी में आए, और ये सिर्फ कमिट करें अपने आप से कि मैं 15 मिनट स्काई की तरफ नहीं देखूंगा। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको एक सेल्फ बिलीव आता है कि मैं जो सोचता हूं वो कर सकता हूं। बहुत छोटी सी बात है। आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं और आप सोचे कि मैं 15 मिनट FM नहीं सुनूंगा, गाना नहीं सुनूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, सिर्फ 15 मिनट। इससे कुछ नहीं होता, सेल्फ बिलीव होता है कि मैं ये कर सकता हूं। जी सर, तीन चार छोटी छोटी चीजें ऐसे करिए कि आज के दिन मैं ये वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा, आज के दिन इस 1 घंटे में मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इससे कुछ नहीं होता बेसिकली, लेकिन इससे एक सेल्फ बिलीफ आता है कि मैं ये कर सकता हूं। जब ये छोटी छोटी तीन चार पांच चीजें आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं वो आप कर लेंगे। बिल्कुल सर, पहले वेट छोटा उठाना पड़ता है, फिर वेट लिफ्टिंग में बड़ा वेट उठाने का हौसला आता है। यस सर, तो सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है दोस्त, जी और सर, छोटी छोटी चीजों से आता है वो। छोटी छोटी चीजों से कि आज पूरे दिन मैं ये नहीं करूंगा यार, आज मैं FM नहीं सुनूंगा यार, आज 15 मिनट मैं ये नहीं देखूंगा। जब मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूंगा तो लेफ्ट राइट कोई बोर्ड नहीं पढ़ूंगा, कोई एडवर्टाइजमेंट लेफ्ट राइट में होगी तो मैं नहीं देखूंगा। छोटी छोटी, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो आपको सेल्फ बिलीव लेकर आएंगी। उसके बाद आप जो सोचेंगे सारा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एंड सर, टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन, जब हम अपने रूम्स में होते हैं, क्योंकि वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लॉकडाउन्स एंड अनलॉक्स इन लास्ट 1 ईयर,
सो टॉकिंग अबाउट फैमिलीज, जब हम अपने घर पे होते हैं, कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, हम अपने रूम में अकेले होते हैं, उस टाइम के लिए सोशल मीडिया, हमारा फोन हमारे लिए सब कुछ हो जाता है. सो वो सारा दिन पूरा आदत सी हो जाती है स्वाइप करने की, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एंड फिर जब सर फोन को साइड में रखते हैं तो एक बेचैनी सी होती है. तो इससे कैसे बचा जाए सर, क्योंकि हम हैं भी अकेले, किसी से बात भी नहीं कर सकते, और अगर बात करनी है तो सिर्फ एक माध्यम है, दैट इज मोबाइल फोन एंड लैपटॉप. एंड फिर से वो खोलते हैं तो उसकी इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि उसको छोड़ती बेचैनी सी होने लग जाती है, कि हर 2 मिनट बाद बस यूं एक स्वाइप करके और फिर साइड में रख दिया. तो इसके साथ कैसे डील करें और इससे बच कैसे सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उसके साथ एक और चीज मिसिंग है, और वो है पर्पस। जब तक लाइफ में पर्पस नहीं होता ना डियर, दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहता है। इफ यू हैव पर्पस इन योर लाइफ तो ध्यान हमेशा वहां रहता है। जी वो कहते सर, हैं ना, अ लेटर विद नो एड्रेस विल रीच नो वेयर। जिस ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी ही नहीं लिखा होगा तो वो लेटर कहाँ पहुंचेगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा यार, वो इधर उधर घूमता रहेगा। तो व्हाट जी यू सर, नीड इन लाइफ इज अ क्लियर कट पर्पस। और ये जो एज है ना मेरे दोस्त, ये राइट एज है अपना पर्पस सेट करने की। इंडिया वर्ल्ड में सबसे यूथ कंट्री है, आने वाला टाइम यूथ का है। आने वाले मुझे लगता है पूरी की पूरी कंट्री को यूथ ड्राइव करने वाला है यार। तो वी डोंट हैव अ टाइम टू वेस्ट। हमको टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं करना है यार। वो सेल्फ बिलीव आएगा ना तो मन में धारणा करना, कोशिश करना कि मैं आधे घंटे से ऊपर सोशल मीडिया पे नहीं रहूंगा। 30 मिनट्स इज मोर देन एनफ आपका फेसबुक इंस्टाग्राम ये फालतू खंड की चीजें देखने के लिए। 30 मिनट्स इज मोर देन एनफ, बहुत है यार। बाकी 24 घंटे में से जो 23.5 घंटे बचते हैं वो पर्पस पे लगाइए। और जब तक पर्पस नहीं रहेगा ना तो ये डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। जी सर, पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं लास्ट में एक बात बता देता हूं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबकी जनरेशन के लिए। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव पीपल, ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, प्रोफेनिटी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं। ऑल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस पुल पीपल डाउन। जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो लोगों को नीचे लेके आते हैं। इट डिप्लेट्स एनर्जी, यस है सर, ना। दैट कुड हैव बीन यूज कंस्ट्रक्टिवली। वही एनर्जी कहीं और कंस्ट्रक्टिवली यूज हो सकती थी टू अचीव न्यू हाइट्स इन योर लाइफ, राइट। अ पर्सन कैरेक्टर इज जज नॉट ओनली बाय द कंपनी ही कीप। मैं फिर रिपीट करता हूं, अ पर्सन कैरेक्टर इज जज नॉट ओनली बाय द कंपनी ही कीप बट द कंपनी ही लेफ्ट। वो किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता ये कॉल लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप्स में हमेशा बोलता आया हूं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ अपनी लाइफ बिताते हैं। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। वो पता नहीं चलता कि वो साइलेंटली आपका कितना नुकसान कर रही है, यस सर, उसका आई कंप्लीटली इन्फ्लुएंस आप पे कितना पड़ता है यू नेवर नो, और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अग्री सर. सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, ये बहुत खतरनाक चीज है। और आपकी एज में तो ये मतलब डिजास्टर है मेरे हिसाब से। यस, अकॉर्डिंग टू यूएस सर्जन जो जर्नल रिपोर्ट है, 90% पीपल बिकम स्मोकर्स एट द एज ऑफ 18। 90% लोग स्मोकिंग चालू कर देते हैं 18 साल की, 18 साल से भी कम उम्र में। गेस टिल द अबाउ स्टडी केम हु आर स्पॉन्सरिंग ऑल द मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स? ऑल सिगरेट कंपनीज। ऑल सिगरेट कंपनीज स्पॉन्सरिंग ऑल द मेजर स्पोर्ट्स इवेंट बिकॉज दे नो देयर एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस। क्योंकि यस, उनको उनके टारगेट ऑडियंस अच्छे से पता है। सो ये चीजें क्या है, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। देयर आर सो मेनी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। कहते हैं इनपुट्स डिटरमाइंस आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एग्जैक्टली सर. सर इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चूज आवर फ्रेंड्स जब हम किसी नए पर्सन से पहली बार मिलते हैं, बिकॉज सर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वो तो हमारे पे आ जाते हैं, लेकिन इन एंड आउट पर्सन कैसा है वो हमें फर्स्ट टाइम पे नहीं पता चलता है. सो वो कैसे हम अपना फर्स्ट स्टेप बढ़ाएं कि हाँ दिस पर्सन इज गुड, इसके साथ मैं बॉन्ड बनाता हूँ तो शायद दोनों को बेनिफिट बहुत होगा. सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। जो लोग ड्रीम्स डिस्कस करें
वो राइट आदमी है, जो लोग डिस्कस करें वो गलत आदमी है। परफेक्ट जो आंसर। आपके साथ बैठ के आपके और उनके खुद के ड्रीम्स डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू अचीव योर ड्रीम, हाउ टू अचीव माई ड्रीम, बेस्ट लोग हैं यार। लेकिन जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, देख वो क्या कर रहा है, देख वो क्या खा रहा है, देख वो क्या पहन रहा है, देख उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, देख वो स्मोक करता है, देख उसने आज ड्रग्स लिया। जो लोग डिस्कस कर रहे हैं दूर रहिए, जो लोग ड्रीम्स डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ चिपक जाइए। श्योर सर, वेरी बेनिफिशियल आंसर एक्चुअली एंड अ परफेक्ट आंसर, शायद सब लोगों को समझ आ गया होगा। लोग डिस्कस नहीं करना है हमको, ड्रीम्स डिस्कस करने हैं, गोल्स डिस्कस करने हैं, पर्पस डिस्कस करना है। प्रॉब्लम क्या रहता है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं खास तौर पे, राइट? हम मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है। अजीब सी क्या प्रॉब्लम है, जब पांच दोस्त बैठे होते हैं ना, तो वो पांच दोस्त कभी डिस्कस ही नहीं करते कि हम मर्सिडीज कब लेंगे, बीएमडब्ल्यू कब लेंगे, ऑडी कब लेंगे, जैगुआर कब लेंगे। वो डिस्कस क्या कर रहे होते हैं, कल तूने पिलाई थी आज तू पिलाएगा, है ना? है? कल मैंने पैसे दिए थे आज तूने पैसे देने हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चली गई, यार बड़ा बुरा किया उसने, यार उसने तो बहुत ही खराब किया। तो लोग डिस्कस नहीं होने चाहिए, जी सर, पर्पस डिस्कस होने चाहिए, ड्रीम्स डिस्कस होने चाहिए। दिस इसीलिए इज कहता हूं रियली इम्पोर्टेंट इशू सर। लोग मजाक में हम लोग ले लेते हैं सर, जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग होते हैं, बट यस सर, सर, एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनीबडीज लाइफ। एसोसिएशन, द पावर ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस और ये इतना साइलेंटली आपको किल करता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि यस अग्री। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। जो बच्चा केरला में पैदा हुआ है, एक कन्नड़ फैमिली में पैदा हुआ है, उसको कन्नड़ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देख के सीख जाता है। यस सर, उसी बच्चे को आप स्पेन में पैदा कर दीजिए, अगर स्पेन भेज दीजिए, तो वो स्पेनिश सीख जाएगा, अलग से सिखाना नहीं पड़ता। यस पीपल सी पीपल डू, मंकी सी मंकी डू। तो वो डेलिबरेटली नहीं होता, वो देख देख के होना शुरू हो जाता है। तो यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। आपके पास अगर खराब दोस्त है, उससे अच्छा आपका कोई दोस्त ना हो, एग्जैक्टली सर, क्योंकि आपका दोस्त आपका कितना बड़ा नुकसान करेगा, यू नेवर नो। खाने में अगर कोई जहर डाल दे, उसका इलाज होता है। खाने में कोई जहर डाल दे, आप खा लें, इलाज है। लेकिन कान में कोई जहर डाल दे, इसका कोई इलाज नहीं है। एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों से बात की है, सभी की लाइफ में आई हैव नोटिस दैट एक ब्रेकडाउन होता है सभी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में। सो व्हाट वाज दैट वन ब्रेकडाउन इन योर लाइफ, एंड आपने उसके साथ कैसे डील किया था और फिर से बूस्ट अप होके कैसे आगे बढ़े थे? यार मैंने 98 में जब ग्रेजुएशन किया, तो हमारे फैमिली के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। आज 23-24 साल हो गए इस बात को, तो मुझे लगता है जैसे आज ही कल ही की बात होगी। मैं ग्रेजुएट होके घर आया, मेरे पास मेरा डिग्री था मेरे कॉलेज का, और आई वेंट टू माई फादर, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि पापा, टुडे आई एम ग्रेजुएटेड, आज मुझे डिग्री मिल गया है, ये डिग्री मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनके हाथ में डिग्री दिया और बड़े मासूम अंदाज में उनको कहा कि आप भी मुझे कुछ गिफ्ट करिए अब। तो वो रूम में चले गए अंदर, और बाहर आए और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। और मैंने वो पेपर देखा, तो मैंने बोला पापा ये क्या है? तो बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। 1998, कैन यू बिलीव इट, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ -3 लाख रुपीज से। और आज से 22 साल पहले 3 लाख रुपीज वाज अ ह्यूज 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 अमाउंट यस फॉर अ पर्सन जिसके पास वैसे ही कुछ नहीं। सो पहले दिन मुझे समझ में आ गया कि बेटा सोनू शर्मा, तेरी लाइफ आसान नहीं होने वाली। और मैं थैंक्स बोलता हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन में पहले ही दिन डाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि प्रॉब्लम्स आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे होते हैं उनको कोई फीवर नहीं होता, कोई निमोनिया नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अमीरों के बच्चे बेडरूम में ब्लैंकेट के अंदर बीमार पड़ जाते हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग,
बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। तो प्रॉब्लम्स जब आपकी लाइफ में अर्ली स्टेज पर आ जाए तो थैंक्स बोलिए गॉड को कि वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो ब्रेक थ्रू सबसे बड़ा था कि मुझे अपना करियर -3 लाख रुपए से शुरू करना पड़ा, और मुझे बात समझ में आ गई कि अगर कुछ नहीं किया बेटा तो घर बिक जाएगा। मेरा घर मोर्टगेज था और उस पे 6 महीने का नोटिस पीरियड था कि इधर यू पे द बिल्स और गेट आउट फ्रॉम योर हाउस, आपको निकल जाना है यहाँ से। तो मेरे पास दो रास्ते थे, पहला रास्ता तो था कि मैं मकान बेच दूं और अपना कर्जा उतार दूं, और दूसरा रास्ता मुश्किल था कि मैं मेहनत करूं, पैसे कमाऊं और अपना लोन चुकता करूं। तो मैंने दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया, मैंने मेहनत किया और धीरे 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 मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने लोन चुकता किया। और मुझे आज भी याद है कि मैंने वो लोन पे करने के लिए लोन लिया था। यू विल बी शॉक टू नो कि एक लोन चलता था PMYR करके, उस जमाने में वो उन लोगों को मिलता था जिनके पास मोर्टगेज करने के लिए कुछ नहीं होता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख रुपए देती थी आपको अपना बिजनेस करने के लिए। तो हमने वो 1 लाख रुपए का लोन लेकर जहाँ 3 लाख देने थे वहां दे दिया, और थोड़ी सी मोहलत और मांगी उनसे कि गिव अस सम गुड टाइम, हमारा नीयत अच्छा है, बस टाइम खराब चल रहा है। सो धीरे 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 वो टाइम आया कि हमने वो लोन पे किया, और आज से करीब करीब 6 महीना पहले मैंने करीब करीब 1.75 1.2 करोड़ रुपए का गाड़ी, मर्सिडीज एस क्लास बाय किया। तो जब मैं उसका चेक काट के दे रहा था उस मर्सिडीज के शोरूम में, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, ऑलरेडी मेरे पास मर्सिडीज ई क्लास है, तो मैंने जब एस क्लास बाय करके वो चेक बना के दिया तो मुझे दिन याद आ गया कि यार एक टाइम था कि जब लोन पे करने के लिए हमको लोन लेना पड़ रहा था, और आज तो गॉड इज वेरी काइंड टू मी, वेरी फेयर टू मी, इसलिए कि उसने मुझे बहुत शुरू में एक मुसीबत में डाल दिया। बिल्कुल सर, ट्रू सर। एंड आई गेस आप जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में थे तो आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे कि देर आर टाइम्स जब हमें पैसों की जरूरत होती है एंड जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट इनकम के। एंड एक तरफ हमारे पास रास्ता होता है कि हम एक बार उन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना जाएं जो शॉर्ट इनकम्स हैं और मेहनत करें थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए एंड फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम बड़ी। क्या है दोस्त, मैं आपकी बात को समझ के बहुत जल्दी आंसर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास 5 ही मिनट है आपसे और बात करने के लिए। हाँ, तो टुडे किड्स आर लर्निंग देयर एटीट्यूड्स एंड वैल्यू मोर फ्रॉम टेलीविजन एंड मूवीज, डोंट टेक मी रॉन्ग, देन एनी अदर सोर्स। यू नो इट इज एस्टिमेटेड इन US बाय द टाइम अ यंगस्टर गेट्स आउट ऑफ हाई स्कूल ही हैज वॉच 20,000 आवर्स ऑफ टेलीविजन, 20,000 आवर्स ऑफ टेलीविजन, विटनेसेस 15,000 मर्डर्स, 1 लाख एल्कोहल रिलेटेड कमर्शियल्स, टीवी प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। कैन यू बिलीव इट नो, कि नेवर। उसके माइंड पे क्या इंप्रेशन पड़ता होगा इन सब चीजों का। कन्वे द मैसेज दैट ड्रिंकिंग इज फन, ये सारे कमर्शियल्स, ये टीवी एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ड्रिंकिंग इज फन, स्मोकिंग इज ग्लैमरस, ड्रग्स आर इन थिंग, है ना, लगता है ड्रग्स आजकल इन है, आपने ये नहीं किया तो साला जिंदगी में फिर कुछ नहीं किया। सोप ओपेरास, जितने भी आजकल ये डेली सोप सीरियल चलते हैं, एंड ऑल अदर टीवी शोज एज वेल एज मूवीज, डोंट टेक मी रॉन्ग, ग्लैमराइज क्रिमिनल पैरामार्टल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, नो वंडर कमिटमेंट्स आर लैकिंग इन द सोसाइटी। लोगों की गलती नहीं है, वो दिखाया ही ऐसा जा रहा है कि ये सब चीजें बहुत ग्लैमराइज हैं, बहुत शानदार हैं, है ना, ड्रग्स लेना, दारू पीना इन थिंग है आजकल, शॉर्टकट्स बनाना मतलब एक बहुत जबरदस्त चीज है, लंबा क्या करना है यार, फटाफट करो, लाइफ इज नॉट अ मैगी यार, ये 2 मिनट में नहीं बनती, लाइफ इज नॉट अ मैगी, है ना, इट विल टेक अ गुड टाइम, हर चीज को बिल्ड होने में टाइम लगता है, और जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है वो आसानी से मिस हो जाती है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त, इट टुक 16 लॉन्ग ईयर्स फॉर राइट ब्रदर्स टू टेक अ फर्स्ट फ्लाइट, 16 लॉन्ग ईयर्स टू राइट ब्रदर्स, 10,000 अटेम्प्ट्स टू थॉमस एडिसन, 10,000 अटेम्प्ट्स, कैन यू बिलीव इट, 16 लॉन्ग ईयर्स, कैन यू बिलीव इट, देर इज नो शॉर्टकट। एक स्टोरी के साथ मैं बात को खत्म कर देता हूं अपने।
न्यूयॉर्क में एक लेडी फिफ्थ एवेन्यू पे घूमती थी, और ये लाइव घटना है, सच्ची स्टोरी। मैं आप सबको, जितने भी लोग इंस्टा पे लाइव सुन रहे हैं, उनको सुनाता हूँ, और आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर शायद इससे मिल जाए। तो वहां पर उनको दुनिया के सबसे महान पेंटर मिस्टर पाब्लो पिकासो मिले। पाब्लो पिकासो दुनिया के सबसे महान पेंटर्स में से एक है। तो उस लेडी ने उनको रिकॉग्नाइज किया और भागती हुई दौड़ती हुई ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास पहुंची। तो उस लेडी ने उनको कहा, आर यू मिस्टर पाब्लो पिकासो? उसने कहा, यस आई एम पाब्लो पिकासो। तो लेडी ने कहा, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी सर? क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकते हैं? तो उसने कहा, व्हाई नॉट। तो एक पेपर और एक पेंसिल पे पाब्लो पिकासो ने एक स्केच ड्रॉ किया इन जस्ट 30 सेकेंड्स, और उसको लेडी को हैंड ओवर करते हुए कहा कि मैम, इट कॉस्ट यू 50 लाख रुपीज, इसका कॉस्ट 50 लाख रुपए का है। तो वो लेडी को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख इन जस्ट 30 सेकेंड्स। तो वो लेडी एक उस स्टोर में गई जहां एंटीक चीजें बिकती थी और खरीदी जाती थी। उसने बोला, आई वॉन्ट टू सेल दिस पेंटिंग। तो उस दुकानदार ने बोला, यस वी कैन बाय इट एंड वी कैन गिव यू 50 लाख रुपीज बिकॉज इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। तो शी वॉज सरप्राइज एंड शॉक टू नो। तो वो पेंटिंग वापस लेके उस पेपर पे अब पाब्लो पिकासो को दोबारा ढूंढने लगी। तो कुछ दिन के बाद उसको मालूम चला कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करने के लिए पाब्लो पिकासो आने वाले हैं। तो वो भागो भागे वहां पर पहुंची, उसने पाब्लो पिकासो से मुलाकात करी। उसने कहा, सर आपको याद है कि आज से कुछ दिन पहले मैं आपसे मिली थी, आपने मेरे को ये पेंटिंग ड्रॉ करके दी थी और आपने कहा था कि ये 50 लाख की है। सर इट्स रियली इट्स 50 लाख रुपीज पेंटिंग। यस, उसने कहा, आई न्यू इट, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने ही बनाई है। तो उस लेडी ने उस पाब्लो पिकासो से क्वेश्चन पूछा, आपकी सारी जनरेशन के लिए ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, घर लेके जाइएगा। उसने कहा, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ 50 लैक्स इन 30 सेकेंड्स। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ 50 लैक्स इन 30 सेकेंड्स। तो पाब्लो पिकासो ने आंसर दिया, लुक मैडम, इट टुक मी 40 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ 50 लैक इन 30 सेकेंड्स। इट टुक मी 40 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रॉ पेंटिंग वर्थ 50 लाख इन 30 सेकेंड्स। आपको कुछ मेहनत नहीं करना, यू हैव टू स्पेंड 40 ईयर्स, दैट्स इट। सो एवरी ग्रेट अचीवमेंट्स नीड ग्रेट टाइम। True, sir. देर इज नो क्विक मैगी टाइप रेसिपी इन लाइफ, 2 मिनट में मैगी ही बन सकती है यार, और कुछ नहीं बनता है। लाइफ को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नो शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स इज ऑलवेज अ लॉन्ग कट। Exactly. आप That सबको मैं ये great कहना actually. चाहूंगा, बाजीगर, बाजीगर देखिए। एक बाजीगर मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बोला था कि तेरी जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते आएंगे, एक बहुत आसान होगा और एक बहुत मुश्किल होगा। आसान रास्ता तुझको बार बार अट्रैक्ट करेगा जाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना वहां तू पहुंचेगा कहीं नहीं। और उस मुश्किल रास्ते में बहुत तकलीफें होंगी, बहुत कांटे होंगे, लेकिन अगर एक बार चलना शुरू कर दिया तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो मुझे वो बाजीगर के वो डायलॉग शाहरुख खान का अभी तक याद है यार। मैं चाहता हूं आप भी याद कर लें, बिल्कुल ऑलवेज सर, अडॉप्ट फॉर अ डिफिकल्ट वे। श्योर सर। एंड सर, आज के सेशन के बाद आई विल टेक अ नोटबुक एंड पेन। आई होप बहुत से लोगों ने ये किया होगा, बट मैं ये दोबारा से देखने वाला हूँ रिकॉर्डिंग पूरी, एंड सब कुछ नोट डाउन करने वाला हूँ। बहुत सी स्टोरीज इंस्पिरेशनल जो आपने सुनाई है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड बिफोर गोइंग, गॉड ब्लेस यू एवरीबडी यार। इट्स माई जितने भी लोग रिक्वेस्ट। मुझे सुन रहे हैं, मेरा बहुत बहुत प्यार आप सबको। जानता हूँ 99% लोग मुझसे छोटे होंगे यार उम्र में। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत लव। खूब सारी मेहनत करिए लाइफ में, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे दोस्त। ऑल ग्रेट थिंग्स नीड गुड टाइम। माई ब्लेसिंग्स, माई विशेज आर विद यू। आप भविष्य हैं यार देश का। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और गेट वैक्सीनेटेड और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और सभी को बताइए कि COVID-19 गया नहीं है, COVID-19 यही है अभी। और इसको लाइटली, आसान मत लीजिए अभी। अभी ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए और आपकी फैमिलीज के लिए। मैंने अपने बहुत 2 इंपॉर्टेंट लोग खोए हैं इस COVID-19 में, माई फादर एंड माई सिस्टर इन लॉ। तो मैं बता सकता हूँ, और मुझे खुद कोविड हुआ था, बहुत सीवियर।
तो मैं बता सकता हूँ ये आसान नहीं है यार. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, टेक केयर ऑफ एवरीबडी अराउंड यू यार. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच यार. जय हिंद. सर, बिफोर गोइंग, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर टीम सोसाइटी फॉर मैनेजमेंट लर्निंग, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने आपको अप्रोच किया, उनके लिए एक मैसेज क्या रहेगा आपका? थैंक्स बोल सकता हूँ दोस्त आपके लिए. आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है. इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना लगता बहुत आसान है, मुझे पता है कि बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि बीइंग इन द ट्रेनिंग सेक्टर फ्रॉम द लास्ट 5-6 ईयर्स, आज इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज को मैं ट्रेन करता हूँ, इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांड्स आज मेरे साथ काम कर रहे हैं. मुझे पता है कि ये इवेंट का जो काम है ये आसान नहीं है, ये लगता आसान है बड़ा मुश्किल. इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं जो दिखती नहीं है एक्चुअली. सो आपका बहुत बहुत थैंक्स यार, और गॉड ब्लेस यू. इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए और इसी तरह आगे बढ़िए. अगली बार इससे भी बड़ा इवेंट करिए और लोगों की लाइफ में जो बेटर कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करिए यार. गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, एंड वी होप कि ये कोविड पैंडेमिक जल्द से जल्द हमारी लाइफ से जाए एंड यूनिवर्सिटी खुले एंड हम आपको लाइव वहां पे होस्ट करें इन पर्सन, पूरा ऑडिटोरियम स्टूडेंट से भरा हो और आप सेशन दे रहे हो सर। एक अभी से ही सर गूज बम्स आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो मिसिंग द लाइव ऑडियंस इन माई लाइफ सर. एग्जैक्टली सर, वी होप सो सर कि जल्द से जल्द सब ठीक हो। डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड इट वाज अ गॉड प्लेजर, ब्लेस इट यू. वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय.